हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे भले चंगे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मैं पम्मी, पम्मीज लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी फ्रेंड्स को। तो दोस्तों, आज मैंने जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी के वो के लिए ये एक दो चीज़ें बनाई हैं, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये खीर बनाई है मैंने किशमिश की। तो ये किशमिश धो के दूध में भिगो दिया, गरम दूध में। तो इसको कम से कम आधा पौना घंटा भिगो के रख दिया था, ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। तो दोस्तों, मैंने ये काटे हैं बादाम, कुछ तो मैंने बारीक बारीक काट लिए और कुछ कद्दूकश कर लिए हैं। बादाम और ये पिस्ता और काजू, ये तीनों को मैंने छोटा छोटा कर लिया चॉप। तो दोस्तों, मैंने एक लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया इधर, और इसको कम फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये धीरे धीरे उबलता रहे और इसमें इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। तो इसको उबाल आने के बाद मैंने सिम गैस कर दिया और ये धीरे धीरे उबल रहा है और काफ़ी कम भी हो गया है दूध। एक लीटर था, एक लीटर से कम ही हो गया है ये दूध। और इधर मैंने ये सारी चॉपिंग कर ली है। नारियल भी मैंने कद्दूकस करके रख लिया है और ये बादाम और काजू भी। और ये मेरे पास अरारोट नहीं था दोस्तों, तो मैंने ये कस्टर्ड ही ले लिया है और उसको भिगो के रख दिया है, मतलब उसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो ये मैंने ये जो दूध है वो कम हो गया है क्वांटिटी में, तो इसमें मैंने ये जो किशमिश भिगो के रखी थी इसी दूध में डाल दी है। तो इसको भी धीरे धीरे उबालेंगे, किशमिश भी अच्छी तरह से फूल जाएगी और ये दूध भी थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें जो मैंने कस्टर्ड के लम्ब्स निकाल के ये ठंडे पानी दूध में ये करके रखा था, घोल के रखा था, इसी में कस्टर्ड डाल देंगे और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा दूध इसके साथ। तो दोस्तों, आप कस्टर्ड भी डाल सकते हो और अरारोट भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप कैसे कान्हा जी को कैसा भोग लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधा कटोरी डाल दिया चीनी, क्योंकि चीनी कम ही डलती है इसमें। जब चीनी ज़्यादा डालेंगे तो किशमिश भी मीठी होती है, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स जो छोटे छोटे काट के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। तो ये धीरे धीरे सिम गैस पे ये फ्लेम पे ये चलता रहेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें मैंने थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए थे, 10 से 12 केसर के धागे डाल दिए हैं, इससे इसका कलर और भी अच्छा आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने कान्हा जी के भोग के लिए क्या क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो ये धीरे धीरे ये देखो गाढ़ा हो गया है ये दूध, और किशमिश भी इसमें फूलने लगी है और ये काफ़ी अच्छा मतलब इसमें कलर भी कितना प्यारा आ गया है। तो ये और भी इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बनाई है दो तरह के भोग बनाए हैं, एक मैं और दिखाती हूँ। तो ये देखिए कि किशमिश अच्छी तरह से इसमें घुलने लग गई है, मतलब काफ़ी अच्छा बनता है, आप बना के देखिएगा और कान्हा जी को भी बहुत पसंद आएगा। और ये मैंने ले लिया है एक कटोरी चीनी ली है और आधी से थोड़ी कम कटोरी पानी की लेके इसमें चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, वेट नहीं करनी पड़ती। अगर इतनी क्वांटिटी में लेंगे तो ये चीनी मेल्ट होने तक ये तार सी बनने लग जाती है, एक तार की चाशनी जिसे कहते हैं, बस इतना ही करना और फ्लेम बंद कर दीजिए। जो हमने ये फ्रूट और ये भून के रखे हुए थे नारियल का वो बुरादा था जो, उनको हम इसमें चाशनी में मिला देंगे। और ये पाग कहते हैं इसको, पाग तैयार हो गया है ये कान्हा जी के लिए प्रसाद के भोग के रूप में, तो इसी का ही भोग लगाएंगे। तो आप लोग दोस्तों मंदिर गए या मतलब क्या क्या बनाया तो वो ज़रूर बताइएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा सबके साथ। तो ये दोस्तों मैंने बनाया है प्रसाद कान्हा जी का, एक तो मैंने पाग बनाया है इसमें कटोरी में रखा हुआ है और साथ ही मैंने पंचामृत बना रखा है, ये तो है पाग और कान्हा जी के भोग के लिए। और साथ ही मैंने पंचामृत बना रखा है, इसमें दूध और दही मिला लिया, थोड़ा सा शहद और
तुलसी के पत्ते और थोड़ी मिश्री मिला के पंचामृत बना लिया। और ये किशमिश की खीर और ये कान्हा जी के लिए मक्खन और मिश्री का भोग है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को फैमिली फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना तो मत भूले, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।